नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आप सभी को राधा स्वामी। आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा, सवाल जवाब सत्र की एक नई वीडियो के साथ। अनुशासन क्या है और ये कितना जरूरी है? अनुशासन को लेकर रूहानियत और दुनियादारी की दृष्टि से सात संगत के मन में अनेकों सवाल होंगे। तो देखिए राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी द्वारा अनुशासन को लेकर क्या उत्तर दिया गया। एक आम औरत, वो भी एक किसी की माँ है, बहन है, सब कुछ है। सब लोग जैसे राजा अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो एक आम औरत किसको तवज्जो दे और किसको अहमियत दे, किस रिश्ते को? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जी अगर किसी औरत की शादी हो जाती है तो वो अपने पति से कैसे प्यार करे, क्योंकि वो माँ बाप से प्यार करती है। हर एक का अपना दर्जा होता है। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो जिम्मेवारी सभी के साथ निभा सकती है। अब पति की अपनी जगह है, माँ की अपनी जगह है, पिता की अपनी जगह है, बाल बच्चों की अपनी जगह है। अब ये तो हमने दायरा छोटा कर लिया कि हम सोचते हैं कि अगर मैं एक को प्यार करूँगी तो दूसरे की जिम्मेवारी नहीं निभा सकती। अगर हम हर एक को अपनी अपनी जगह में रखें तो पूरा हो सकता है, मगर हमारा वो बैलेंस हट जाता है। हम किसी भी रिश्ते में अगर ओवरबोर्ड हो जाएंगे या उसको ज़्यादा अहम मानेंगे तो फिर अपने आप दूसरे रिश्ते सफ़र करेंगे। बाबा जी, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी में? डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मन को डिसिप्लिन करना है, जब तक बाहर डिसिप्लिन ना हो तो अंदर कैसे डिसिप्लिन होगा। अब हर एक चीज़, आप देखो, आप गाड़ी चला रहे हैं, उस डिसिप्लिन में चलाओगे तो एक्सीडेंट कम होंगे। अगर सारे कहेंगे जी हमें तो आज़ादी है, हम जैसे मर्जी चलाएं, तो एक्सीडेंट बढ़ेंगे। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो एक डिसिप्लिन बना होता है कि भाई इस वक्त ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस वक्त ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब बच्चा कहे नहीं, मैं तो आज़ाद मुल्क में रहता हूँ, मैंने तो इतिहास पढ़ना है, दूसरा कहे मैथमेटिक्स पहले पढ़ना है, तो कोई उनको सिखा नहीं पाएगा। तो एक दायरा है, तो उस दायरे में चल के सभी को उसका बेनिफिट मिलेगा। मगर हर एक जाना कहेगा नहीं मैं तो अपनी मन मर्जी से चलूंगा, तो ना तो देश चल पाएगा और ना ही और कुछ चल पाएगा। हर एक चीज एक दायरे में अच्छी होती है, दायरे से बाहर जाकर उसी का नुकसान होना लग पड़ता है। तो ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन हो कि जी मैंने आज ये करना है, ये करना है, बड़े आराम से कर लेंगे। मगर घर से निकलते हैं 10-15 चीज़ें हैं, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। जवाब वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।